हेलो एवरीवन, मैं भाग्यश्री। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक को। ये बुक मेरे लिए बहुत ही खास है, बिकॉज जब मैंने बुक पहली बार बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इसी बुक से अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट की थी। मैं इस बुक को रोज पढ़ती थी और रोजाना इसके नोट्स बनाया करती थी। ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है हैबिट को। हैबिट क्या होती है, किस तरह हम एक बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको हैबिट की साइंस के बारे में बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड, यानी आदतें बनाई कैसी जाती है उसको डिस्कस करते हैं। तो साइंटिस्ट को भी यही जानना था कि आदतें कैसे बनाई जाती है, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब ह्यूमंस पे करना होता है उससे पहले रैट्स पे करके टेस्ट किया जाता है। तो उन्होंने रैट्स के ब्रेन में कुछ सेंसर्स लगा दिए थे, उन्हें एक टी शेप चेंबर के आगे में खड़ा कर दिया गया था। उस टी शेप चेंबर के राइट साइड में उन्होंने एक चॉकलेट बार रखा था और टी शेप चेंबर जो था उसके सामने एक बैरियर रखा था, जो बैरियर क्लिक साउंड के साथ में ओपन होता था। सो जैसे ही वो बैरियर हटाया जाता तब वो क्लिक साउंड करता, चूहे बड़े ही कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये क्लिक साउंड कहाँ से आया। और जैसे ही वो देखते कि उसके सामने जो बैरियर लगा था चूहों के सामने वो हट चुका है, तो वो अंदर घुस जाते चूहे, चैम्बर के अंदर चले जाते और काफी वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। उनके लिए वो नई जगह सी थी ना, तो वो काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हाई रिकॉर्ड हो रही थी, कभी राइट साइड जाते कभी लेफ्ट साइड जाते, और आखिर में जाके उन्हें चॉकलेट मिल जाता। और जैसे उन्हें चॉकलेट मिलता था उनकी ब्रेन की एक्टिविटी हाई पीक लेवल पे चली जाती थी, बिकॉज वो उनका रिवॉर्ड था। इसी एक्टिविटी को रोजाना दोहराया गया और जब 21 दिन बाद उनकी ब्रेन की यानी कि चूहों की ब्रेन की एक्टिविटी को जब रिकॉर्ड किया गया तब ये पाया गया कि उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज में एक ड्रास्टिक चेंज था। जब डे वन पर उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज ऑल टाइम हाई थी, जैसे हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तब हम क्या पूरा अटेंटिव होके उस जगह को देखते हैं, हर एक चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह चूहे जब फर्स्ट टाइम उस चेंबर के अंदर गए थे तब वो भी उस चेंबर को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे ये चेंबर क्या है, कहाँ जा रहा है इसका रास्ता। सो डे वन पर इसीलिए उनकी ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी हाई रिकॉर्ड की गई थी, क्लिक साउंड होने पर भी, उसके फर्स्ट सेक्शन पर भी, सेकंड सेक्शन पर भी। और अगर हम अगर डे 21 की बात करें तो चूहे के ब्रेन को हैबिट हो गई थी, उसका ब्रेन उस लूप से यूज टू हो गया था, तो इसीलिए वो काफ़ी फास्ट उस ट्रैक को कवर करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए चूहे की स्पीड बढ़ती गई और उसका ब्रेन उतना ही ज़्यादा यूज टू होते गया उस प्रोसेस से। अगर डे 21 के ब्रेन के स्कैन के बारे में बात करें तो उसके ब्रेन के स्कैन में ये दिखाया गया कि जैसे ही क्लिक साउंड होता उसके ब्रेन में काफ़ी हाई लेवल की एक्टिविटी होती, तब उसको अपना लूप कंप्लीट करना होता, तब उसके ब्रेन की एक्टिविटी में एक सडन ड्रॉप आया। और उसके बाद जब वो अपने रिवॉर्ड के पास यानी जब वो चॉकलेट के पास पहुंच जाता, चॉकलेट जब वो इंजॉय करता, तब उसकी ब्रेन की एक्टिविटी अगेन हाई पे जाती। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक लूप को नोटिस किया। लूप क्या था? लूप था क्लिक साउंड होने पे उसकी ब्रेन की एक्टिविटी का हाई होना, यानी कि क्यू रूटीन। जब वो अपना लूप कंप्लीट करता वो रूटीन, एंड देन रिवॉर्ड, द चॉकलेट इज रिवॉर्ड फॉर द माउस। तो यहाँ पे चूहे की ये हैबिट बन गई थी कि जैसे ही क्लिक साउंड होगा वो दौड़ेगा, उस लूप को कंप्लीट करेगा और उसको चॉकलेट मिलेगा रिवॉर्ड में। एंड जब चूहे के ब्रेन को डिटेल में स्कैन किया गया तो ये पाया गया कि उसके ब्रेन के एक बेजल गैंग्लिया नामक पार्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर हो गई थी। बेजल गैंग्लिया हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हैबिट के लिए। अब आप जान चुके हैं कि हैबिट किस तरह से बनती है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दिमाग के नॉन कॉन्शियस एफर्ट को ही हैबिट बोलते हैं। टाइम पर कॉन्शियस होकर जो डिसीजंस हमने लिए होते हैं वही हमारे लिए बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। हमारा दिमाग उसके लिए सोचना बंद कर देता है और वो अपना फोकस किसी और काम में इस्तेमाल करता है। ऐसे अगर मैं रोज स्कूल पैदल जाती हूँ तो मुझे कॉन्शियस होकर रोज ये डिसीजन लेना नहीं पड़ता है कि सीधा चलूँ, लेफ्ट लूँ या फिर राइट लूँ, बिकॉज एक टाइम पे कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कौन सा पाथवे चूज करना है स्कूल तक पहुँचने का। तो अगर आज मैं स्कूल जाऊँगी तो मेरे दिमाग में अगर कोई और भी थॉट चल रहे हो तब भी मेरे पैर मुझे स्कूल तक पहुंचा ही देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक टाइम पे कॉन्शियस होके मैंने वो पाथ चूज किया था, अब मेरे ब्रेन को उसकी हैबिट हो गई है
तो अगर मैं ध्यान ना दूँ तब भी मैं सबकॉन्शियसली मेरे पैर उसी डायरेक्शन में बढ़ाऊंगी जिस डायरेक्शन में मेरा स्कूल है। हमारा दिमाग काफी आलसी होता है, वो अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए हर एक चीज को एक हैबिट में बदल देता है ताकि उसे ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े उस चीज के बारे में सोचने के लिए, और वो अपना ध्यान किसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम के लिए लगा सके, जैसे टीवी, फ्रिज का इन्वेंशन। हमारे दिमाग की इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो हम आज इतना इवॉल्व हो पाए हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप गाड़ी सीख रहे होते तब उस समय आप कितना कॉन्शियस होकर हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, कहाँ गियर है, कहाँ ब्रेक है, मुझे गियर कब बदलना है या मुझे ब्रेक कब लगाना है। एक टाइम पे हमने कॉन्शियसली सीखा होता है कि हमें गाड़ी को किस तरह से चलाना है या फिर गियर कब बदलना है। अगर आज आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा गियर मारूं, कब ब्रेक मारूं, बिकॉज आपके माइंड को वो हैबिट हो गया, उसने रोज़ाना वही चीज़ प्रैक्टिस कर करके उसको हैबिट बना लिया है। अब आप सबकॉन्शियसली ही उस काम को करने लगते हो। सो आज तो आपने सीखा कि हैबिट कैसे बनती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी पेप्सोडेंट इतना कामयाब कैसे बना और आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जरूर देखना आगे के वीडियोस, सारी सीरीज देखना द पावर ऑफ हैबिट बुक की। आपको काफी खुद के बारे में ही नई नई चीजें जानने को मिलेगी, किस तरह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो लाइफ में। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड जय हिंद।